हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के लिए बैक साइड में गले की डिज़ाइन जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो जैसे हम कैनवास पेपर पे गले की कटिंग करने से पहले हमें ये पेपर पे कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया है। पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें ये फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो आपकी गले की चौड़ाई होगी, जैसे गले की जो चौड़ाई होगी आपकी वो लेनी है। तो 2.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। उसके बाद गले की जो लंबाई होती है वो लेनी है। तो गले की लंबाई है हमारी 10.5 इंच, तो हमें 11 इंच लेना है। 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई मार्जिन के लिए। जैसे ऊपर के साइड में हमने 2.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी नीचे 2.5 इंच लेते हैं। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें ये 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इसका हम बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से हमने इसका बॉक्स बनाया है। तो यहाँ पे आप जो भी गले का शेप होगा वो आपको देना है। तो पहले क्या करना है, जैसे जो ब्रॉड बैक साइड का जो गला होता है ये 2.5 इंच हम लेते हैं। इसके बाहर के साइड से आप गला का डिज़ाइन लोगे तो ये और भी अच्छा लगता है, क्योंकि कुर्ती के लिए या फ्रंट साइड का जो गला होता है तो ये 2.5 इंच होता है, तो इसके ऊपर ही हम गले का शेप देते हैं। लेकिन जो बैक साइड का गला होता है ये 2.5 इंच से थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लोगे बाहर के साइड में, यहाँ से आपको 2.5 इंच से ही निकलना है और इसमें आपको ज्वाइन करना है। लेकिन जो बीच का जो शेप होता है हमारा, ये थोड़ा सा बाहर के साइड से लेता है लेते हैं तो ये गला भी अच्छा दिखता है और थोड़ा सा गले में भी ब्रॉडनेस आता है। तो यहाँ पे हम गले का शेप देते हैं। तो जैसे यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर के साइड से लेके यहाँ हम बाहर के साइड में लेते हैं। इस तरह से हमें ये पान गला जो है वो गले का शेप देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे बाहर के साइड से हमें इसकी 1/2 इंच छोड़ के इसकी कटिंग करनी है। ये जो है बाहर की साइड हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम बाहर के साइड से कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये बाहर के साइड से पहले कट किया है। अब यहाँ पे हमें ये जो गले का शेप हमने दिया है उसे कट करेंगे। इस तरह से हमने ये पान गला जो है वो बनाया है। तो ये थोड़ा बाहर के साइड से लेते हैं तो इसमें ब्रॉडनेस भी अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो आप ये जो कैनवास पेपर है, ये जो कार्डशीट पेपर जो मैंने लिया था, इसको आप कैनवास पेपर पे रख के ये कटिंग जो है ये कर सकते हैं। क्योंकि ये पेपर पे थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो हम इस पर क्लियर करके फिर हम कैनवास पेपर पे गले की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पेपर पे कटिंग कैसे करनी है तो आप कैनवास पेपर पे भी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो वो क्लियर नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैंने ये पेपर पे पहले कैसे कट करना है ये मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आप कैनवास पेपर पे इसकी ये कैनवास पेपर पे रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ब्लाउज़ के बैक साइड में गले की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो पान गला कट करके दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।